नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई मलेशिया से रिलेटेड। जी हाँ साथियों, मलेशिया के वर्क परमिट वीज़ा चालू हो गए। भाई आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, और एजेंट का नंबर तो आपको नहीं दे सकता क्योंकि ये सबको फिर मलेशिया भेज देंगे तो देगा तो फिर यहाँ इंडिया में कौन रहेगा। क्या माजरा है पूरी डिटेल से बात करूंगा। दो वीज़ा आए हैं। जी हाँ, पैसा डालते टिकट बना के बंदे मलेशिया पहुँच जाएंगे, चाहे वो फ्लाइट चालू हो या नहीं हो, कोई इशू नहीं है। डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड, मलेशिया से रिलेटेड हर रोज आपको नए टॉपिक पे जानकारी मिलती रहे। 29 अगस्त, एक बंदा मुझे मैसेज, सर मुझे मैसेज करता है कि सर मुझे मलेशिया का वीज़ा चेक करवाना है। जी तो वही हमारा तो सिस्टम है भाई, हम तो चेक करने के लिए तैयार बैठे ही हैं, कोई चेक करवाए तो सही। बंदे ने बताया, मैं पहले बोला भाई डिटेल से पहले तो बताओ कि मामजरा क्या है, कौन है, कहां से है, क्या है। तो बंदे ने बताया हमारा कोई रिश्तेदार मलेशिया में पहले से रह रहा है, काम कर रहा है, उसका कोई थर्ड पार्टी जानकार है, उसने बोला है कि मैं आपके रिश्तेदारों को बुला लूँगा मलेशिया में। जी हाँ, और बात हुई मात्र 60,000 में। जी कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं है, सीधा उन्होंने, मैं बता दूँ, उनको ऑफर लेटर भेज दिया। ऑफर लेटर में मैं बता दूं इनकी 1800 प्लस 200 सैलरी, जी बेसिक सैलरी 1800 प्लस 200 मलेशिया में मिलती है क्या, आप रहते हैं तो आपको पता ही होगा। दूसरी फर्स्ट पार्टी पैकिंग हेल्पर का जॉब इन्होंने इसमें बता दिया। जी हाँ, 10 घंटे ड्यूटी ओवर टाइम में बता दिया। फूड अकोमोडेशन सब कुछ कंपनी देगी, जबकि मलेशिया में ऐसा नहीं होता, कंपनी फूड नहीं देती, आपको सबको पता है। मतलब ऑफर लेटर में सब आते हैं, आपको मैं स्क्रीनशॉट भी साइड में रख दूंगा, आप देख सकते हैं। कोई ऑफर लेटर नहीं है, सिर्फ बनाया है एडिट करके, और आपको पता है भाई क्या इतनी सैलरी मिलती है। ऑफर लेटर तक बात नहीं गई, इनको वीज़ा भी भेज दिए। जी हाँ, दोनों वीज़ा भेज दिए। वीज़ा मैं दिखा दूँ आपको, ऐसा वीज़ा मलेशियन सरकार ने पहली बार चालू किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में, ये देखिए जी, ये वीज़ा है इनके दोनों बंदों के, और दोनों को वर्क परमिट वीज़ा है, जो पहली बार ऐसे वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा आए हैं कुवैत मलेशियन सरकार ने चालू कर दिए। जी हाँ, इसी बंदे के पास आए हैं, बाकी किसी के पास नहीं आए। इनको फिर मैंने इनको बताया तो बताया, ये ई इंट्री वीज़ा है, आप देख सकते हैं ई इंट्री वीज़ा है, साफ साफ इसमें ऊपर लिखा हुआ है। इसको एडिट करके मैं बता दूँ, इंट्री होल्डर इन्फॉर्मेशन की जगह वर्क परमिट डाल दिया गया। बाकी आपको पता है वैलिड फॉर 15 डेज सोशल वर्कर, इनकी जगह इन्होंने लिखा है एंट्री वर्क परपज। जी हाँ, मतलब इतना भयंकर तरीके से एडिट किया गया है मेरे भाई, 1800 के वीज़ा को एडिट करके वर्क परमिट वीज़ा बना दिया यार, पहली बार ऐसा हुआ है। ऐसा तो ज़रूर सुना है कि भाई दूसरे वीज़ा को एडिट करके दूसरा नाम लिख के लोगों दे देते हैं, लेकिन विजिट वीज़ा को परमिट वीज़ा बना दिया यार, ऐसे कैसा, इतना ये खतरनाक वाला एजेंट हो गया। और बोलता है अभी पैसे डाल दो, और अभी 2-4 और लोग भी आ रहे हैं आपके पास से। फिर मैंने उनको वीज़ा एक दूसरा और भेजा, मैं बोला भाई ये वीज़ा आप चेक करो, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। इसमें सिर्फ यही है, टूरिस्ट की जगह आपके वाले में वर्क परमिट लिखा है, नीचे इसमें 15 डेज लिखा है, और आप वाले में वर्क परमिट लिखा है, इतना एडिट हुआ है, बाकी सेम टू सेम ऑप्शन है। जी हाँ यार, इतनी नीचता की हद पे एजेंट उतर रहे हैं, हद नहीं है। एक विजिट वीज़ा को, और विजिट वीज़ा भी कहाँ दे रही है भाई मलेशियन सरकार, इंडियन लोगों को विजिट वीज़ा ही नहीं मिल पा रहे हैं, इनको वर्क परमिट वीज़ा दे के बोलता है पैसे डालो फ्लाइट करवाता हूँ, डायरेक्ट कंपनी में वेट हो रहा है जॉब लगवाने के लिए। 31 अगस्त को लॉकडाउन खुलेगा मलेशिया में, और ये हरामजादे पता नहीं क्या क्या एडिट कर करके दूसरा के वीज़ा पे फोटो डाल दिया, सब कुछ कर दिया। हद होती है यार आप जैसे, भाई मलेशिया जाने वाले देख लें, सोच लें, दूर रहें, सतर्क रहें तो फायदे में रहोगे। बस ये जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, ताकि आप भी भाई मलेशिया जाने वाले बहुत लोग हो, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा तो आप ट्राई कर लें, आपसे ट्राई नहीं होता है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में इसी तरह के टॉपिक में। जय हिंद, वंदे मातरम।